राजस्थान में निवेश करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई बड़ी उपलब्धियां की गई है, जिसमें 348 इंडस्ट्रियल एरिया का विकास हुआ है। ऐसे में नागपुर शहर के उद्योजक राजस्थान में निवेश कर अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। ऐसी जानकारी प्रेस क्लब में पत्र परिषद के दौरान विनीत गुप्ता ने दी है। भारतवर्ष का राजस्थान आज देश का एक ऐसा राज्य है जहां पर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा कई उन्नत इंडस्ट्रीज बड़ी संख्या में लगाए गए हैं। राजस्थान में नागपुर के उद्योजक और नागरिक अपना निवेश कर सकते हैं, ऐसी जानकारी प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार परिषद में राजस्थान से आए विनीत गुप्ता इन्होंने दी है। सब्सिडी हमने दी है, जिसमें हम 75% इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दे रहे हैं। स्टेट का जो टैक्स है जो पेड कर दिया और जो टू बी पेड करना है, और 100% हम एग्जम्पशन दे रहे हैं ऑन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे। उसके बाद 100% हम एग्जम्पशन दे रहे हैं उनको जो लीज डीड करवाते हैं उसकी स्टैम्प ड्यूटी पे, जो रजिस्ट्री करवाते हैं चार्जेस हैं वो चार्जेस जो है स्टैम्प ड्यूटी के वो 100% एग्जम्पशन है। इसी प्रकार हम 100% एग्जम्पशन उनको दे रहे हैं, कोई भी लैंड यूज कन्वर्ट करवाता है उस पर भी देयर विल बी नो कन्वर्जन चार्जेस। ये है, और ये 4-7 years तक हमारी स्कीम है। उसके बाद में अदर बैकवर्ड और बैकवर्ड क्लास से हमने फर्दर इसको 2 years एक्सपांड कर दिया है। इसके अलावा हम जो 34 न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज हम न्यू लॉन्च करने वाले हैं, और जिसके लिए मेन जो है हमारी जोधपुर के आगे एक बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पर पचपदरा में एक ऑयल रिफाइनरी लगने वाली है, जो कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट की बहुत ही प्रोमिनेंट इंडस्ट्री में से है, जिसमें 40,000 crore का इन्वेस्टमेंट होना है। उसके पास में ही हम एक इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड जोन IIZ एक स्थापित करने जा रहे हैं, जिसपे हम रिफाइन से संबंधित जितने भी बाई प्रोडक्ट्स हैं उसके संबंधित उद्योग वहाँ पर स्थापित हो सकते हैं। SEZ में भी हम जैसे है आपको मैंने बताया कि अदर टैक्सेस में जैसे इनकम टैक्स में छूट मिलती है उनको, इलेक्ट्रिक एग्जम्पशन में भी छूट मिलती है, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं अभी तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक ड्यूटी की बात करी, वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस में भी छूट देते हैं। तो जो भी उसमें सरकार की तरफ से स्पेशल इकोनॉमी के जोन में जो इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो छूट है उसका भी हम उसमें प्रोविजन। नागपुर के नागरिक राजस्थान में निवेश करना पसंद करते हैं या फिर और राज्यों में, ये तो वो ही बता सकते हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ संजय मिरे, NBC News नागपुर।